सिंह राजपूत के निधन को एक साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में शशांत के करीबी और फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी ने उन्हें याद करते हुए एक खास बातचीत में कहा कि काश खुदा कोई ऐसा करिश्मा कर देता, मैं शशांत को डांट लगाकर पूछता कि भाई तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों हम सबको छोड़कर ऐसे चले गए। बातचीत के दौरान रूमी कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शशांत मेरे भाई नहीं दोस्त जैसा था, वो मुझसे जूनियर भले ही था लेकिन कई चीज़ों में वो मुझसे काफ़ी कुछ सीखता था। इतना अच्छा इंसान, हमेशा हंसते रहना, काम की बात करना, मेरे घर वालों को अपना परिवार जैसा सम्मान देना, साथ ही एक ऐसा कलाकार जो प्रतिभा से भरा हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मुझे शशांत के परिवार के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है कि जिनके साथ वो पला बड़ा, इतना वक्त बिताया, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। लोग तो कुछ ही दिनों में शशांत को जानते थे पर इतने कम वक्त में ही वो हमसे दिल का रिश्ता जोड़ चुका था। शशांत का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो लॉस था ही, पर मेरे लिए पर्सनल लॉस है। मैं उस लड़के को कभी नहीं भूल सकता। ईश्वर उसे जहाँ भी रखे अच्छा रखे। मुझे याद है कि पिछले साल लॉकडाउन चल रहा था और अनिर्धारित तरीके से कुछ दिनों के लिए से बढ़ाया जा रहा था। तभी हमने प्लान करा था कि मई महीने में हम अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे। गाने के साथ सब जानते थे कि शशांत अच्छे एक्टर होने के साथ एक ज़बरदस्त डांसर भी हैं। तभी शशांत ने मुझसे कहा था कि सर मैं इस गाने में जमकर डांस करूंगा। इससे पहले शशांत की जितनी भी फिल्म आई थी उनमें शशांत ने उतना हार्डकोर डांस नहीं किया था जैसा वो करने का दम रखते थे, लेकिन हमारी फिल्म में शशांत वो काम भी पूरा करने वाले थे। हमने साथ में प्लान किया था कि सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कम लोग यूनिट में रखेंगे फिल्म के गाने के शूट के दौरान। शशांत के निधन से पहले शशांत और रिया को लेकर जो फिल्म बनाई जा रही थी उस कहानी को अब बनाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने पहले ही बताया था कि शशांत को ध्यान में रखकर ही वो कहानी लिखी गई थी। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, शशांत मेरे भाई जैसा था, अब जब वो नहीं रहा तो मैं उस कहानी को नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए ये सवाल फिजूल है। वो लड़का, उसका हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। जी हाँ, तो रूमी जाफरी ने याद किया है शशांत सिंह राजपूत को। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।